नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कश्मीर के पुलवामा हमले का बदला लेने पर जोश में झूम उठे लोग, कहा जवानों को असली श्रद्धांजलि। गुलाल लगा, पटाखे छोड़, बदला लेने की खुशी का किया इजहार। कोर्ट में पेशी के दौरान एक कैदी की मौत, मृतक नशापान करते धराया था। डीएमसीएच में था कर्मी, 8 लोगों के साथ हुआ था गिरफ्तार। गिरफ्तारी बाद आक्रोशित हुए लोग, लहरिया सराय बदला रन क्षेत्र। और आयकर विभाग के प्रधान आयुक्त के साथ व्यापारियों की बैठक में निदान सुविधा का हुआ आदान प्रदान। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। एक ही छत के नीचे सभी आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइनल सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज, गरीब मरीजों के लिए विशेष सुविधा, सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर, डॉक्टर एसएन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका वी सर्राफ स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरिया सराय। न्यू इरा पब्लिक स्कूल एम्फसाइजेस ऑन लर्निंग विद फन, स्पेशल अटेंशन ऑन इंग्लिश कम्युनिकेशन, पीसफुल एंड हेल्दी एटमॉस्फेयर, एक्सपोजर टू वेरियस कल्चर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। The moral and educational standards of New Era Public School is highly admirable and of very high value. Smart class facility is also available. New Era Public School in front of Lahariya Sarai Thana. Contact 7726076720. देश के प्रसिद्ध संस्थानों में अपनी सेवा दे चुके विशेषज्ञ शिक्षकों की टीम के साथ आइडियल पार्क इंस्टीट्यूट आइडियल फिजिक्स के प्रसिद्ध शिक्षक इंजीनियर के सर द्वारा संचालित आइडियल पार्क इंस्टीट्यूट में आईआईटी नीट इंजीनियर और डॉक्टर्स की टीम है। सीनियर सेक्शन में 11th 12th मेडिकल नीट एंड इंजीनियरिंग आईआईटी जेई की तैयारी कराई जाती है। 12th पास स्टूडेंट के लिए स्पेशल टारगेट बैच की व्यवस्था है। जूनियर सेक्शन में क्लास 7th 8th 9th 10th एनटीएसई केवीपीवाई ओलंपियाड के साथ साथ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग के फाउंडेशन की तैयारी कराई जाती है। एड नियर नाका नंबर 5 अपोजिट उमा सिनेमा, फर्स्ट फ्लोर ऑफ गोरा डिजाइनर, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 9308296082 8409833709। दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल एंड रेसिडेंटल स्कूल, रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर सेशन 2019-20। कैरियर ओरिएंटेड नेचर फार्मिंग गाइडलाइंस, अट्रैक्टिव कैंपस विथ हेल्दी इंग्लिश इन्वायरमेंट, क्लासरूम विथ स्मार्ट स्क्रीन प्रोजेक्टर्स एंड क्लोज सर्किट कैमराज, स्पेशल क्लासेस ऑफ मॉरल एजुकेशन, स्पेशल फैसिलिटीज ऑफ फॉरिजन लैंग्वेज संस्कृत उर्दू क्लासेस, कंप्यूटर एंड साइंस लेबोरेटरीज विथ मॉडर्न इक्विपमेंट, मल्टीपल आर्ट ट्रेनिंग ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, हाईटेक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड SMS अलर्ट सिस्टम, एयर कंडीशन हॉस्टल फैसिलिटीज। दिल्ली पब्लिक स्कूल हैदराबाद दरभंगा। कॉन्टैक्ट 0627224-7050, मोबाइल नंबर 9931689440, 9905374978, 9905479438। पब्लिक वेलफेयर इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश माध्यम में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों की योग्यता जांच है तो मासिक जांच परीक्षा, वातानुकूलित लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, खेल का मैदान, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर खास शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण की सुविधा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज्ञान प्रदर्शनी, क्विज के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा की परख। आज ही नामांकन कराएं। पब्लिक वेलफेयर इंग्लिश स्कूल उर्दू बाजार दरभंगा। कॉन्टैक्ट 8051776956 6202642826। और अब समाचार विस्तार।
कश्मीर के पुलवामा हमले के बाद भारत की वायुसेना ने जैसे मोहम्मद की आतंकी ट्रेनिंग को तबाह किया, हमला किया और इसकी खबर पहले सुबह से ही छन छन कर आने लगी। पूरा देश जश्न और बदला लेने के बाद जश्न के माहौल में डूबा, वहीं दरभंगा भी इससे अछूता नहीं रहा। लोग मोबाइल और टीवी से चिपके रहे और दोपहर होते होते ही जगह जगह पटाखे और गुलाल के साथ जुलूस निकालकर लोगों ने बदले का इजहार किया, आतिशबाजी की। विश्वविद्यालय चौरंगी हो या दरभंगा टावर या अन्य जगह, सभी जगह जो 40 अब जवान मारे गए थे उसके बदले लेने, उसका बदला लेने की खुशी साफ झलकती हुई आम लोग। ना भूलेंगे ना माफ करेंगे। 14 फरवरी को जैश के कायराना हमले पर 40 जवानों की शहादत के बाद सुरक्षा बलों के साथ पूरे देश ने यह संकल्प लिया था कि शहादत के ठीक 13वें दिन भारत ने इस कसम को पूरा करते हुए आतंकियों के उसके घर में घुसकर सबक सिखाया। वायुसेना ने तड़के पराक्रम दिखाते हुए सीमा पार की और मिराज विमान से जैश के बड़े आतंकी ठिकानों को जमीन दोज कर दिया। कश्मीर के पुलवामा हमले के बाद भारत की वायुसेना ने जैश मोहम्मद के आतंकी ट्रेनिंग कैंप पर हमला किया। बालकोट में हमला किया गया। भारतीयों के इस करारा जवाब पर दरभंगा में भी हुई आतिशबाजी। विश्वविद्यालय चौरंगी से निकाला गया विजय जुलूस और कहा कि सच्ची श्रद्धांजलि आज मिली है शहीदों को। शहीदों को भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जिंदाबाद, 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 मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत आतंकवादियों द्वारा हमारे 40 से भी अधिक जवानों को सीआरपीएफ के जवानों को शहीद किया गया था। इसी के जवाब में एयर स्ट्राइक किया गया है आज। इसके लिए आप लोगों ने ये विजय जुलूस निकाला है, क्या संदेश देना चाहते हैं भारतीय सेना को? तोड़ जवाब दिया है हमारे सेना ने, वायुसेना ने, इसके लिए हम विजय जुलूस निकाले खुशी से। नाम बता दीजिए। श्रुति श्रेया। हमारे जब 40 जवानों को पाकिस्तान ने जब पाकिस्तान ने अपना शिकार बनाया, उसके एवज में हमने उनको 350 जवानों को ध्वस्त किया है। यह हमारा एक विजय जुलूस है और इसके जरिए हम अपने सेना को हौसला अफजाई कर रहे हैं। क्या बात, जवाब दे रहे हैं। हम मैंने मार गिराया है तो उसके लिए हमारे हिंदुस्तानी सेना ने हमारे, आप आइएगा बोलिएगा, हमने ध्वस्त किया और वह 350 जवानों को आतंकवादी को हमने ध्वस्त किया है। इससे हमारे जवानों में हौसला बुलंद हुआ है तो कि हम कश्मीर ही नहीं, हम पूरे पाकिस्तान पर कब्जा जमाएंगे। क्या आप, क्या नाम है? राम सागर यादव। के दिन भारत पे बहुत बड़ा हमला हुआ जिसमें 40 से भी ज्यादा जवान हमारे तो उस कार्रवाई उसकी जवाब में हम लोगों ने, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सैनिकों को कार्रवाई करवाई और उसका बदला लिया गया पुलवामा अटैक का, जिसमें लगभग अभी 300 से ज़्यादा आतंकवादी मारे जा चुके हैं। इसकी पुख्ता खबर है जो कि सारे मीडिया चैनल आज सुबह से ही न्यूज़ से दिखा रहे हैं। हम लोग इसको देख करके बहुत खुश हो गए। इस खुशी को इजहार करने के लिए हम आज चौरंगी पर आए हैं दरभंगा के, और यहाँ हम अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, पटाखा चला रहे और नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद, जो भी हो सारा कुछ हम करने के लिए बेहतर तैयार हैं। हमारे लोग साथ भी दे रहे हैं, हमारे सारे लोग, और हम लोगों को इस बात की खुशी है कि ये बराबर से चलता आ रहा है। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के समय हुआ, इंदिरा गांधी भी, उसके बाद अटल जी के सामने भी हुआ, लेकिन अभी सब चीज़ों को बंद कर दिया जाए। हमें उम्मीद है कि हमारे मोदी जी इस बार कराची फतह करेंगे। सैनिकों को आप पाकिस्तान को सबक सिखाने के प्रभावी तरीकों की ओर बढ़ना भी जरूरी था। सर्जिकल स्ट्राइक नए भारत के नए संकल्प का प्रतीक है। आज फिर वह दिन दोहराया गया है जब
अमर शहीद भगत सिंह ने असेंबली पर बम फेंकते हुए कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए बम की जरूरत होती है। वीरेंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज। लड़ियासराय कोर्ट में पेशी के दौरान डीएमसीएच के कर्मी की मौत हो गई। बताया जाता है कि ताड़ी पीते हुए नगर थाना पुलिस ने 9 को गिरफ्तार किया था, जिसमें 8 लोग मौजूद थे। कोर्ट में पेशी के दौरान हार्ट अटैक से यह मौत होने की सूचना। पुलिस कस्टडी में मौत के बाद लोगों का फूटा गुस्सा। लहरियासराय कोर्ट में पेशी के दौरान डीएमसीएच के एक कर्मी की मौत हो गई। नशा पान करते हुए नगर थाने की पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें 8 लोग मौजूद थे। कोर्ट में पेशी के दौरान हार्ट अटैक से एक की मौत हो गई और उसके बाद पीड़ित परिवार ने लगाया पुलिस पर पीट पीट कर हत्या का आरोप। घटना बाद लोगों का फूटा गुस्सा। अस्पताल से लेकर सड़कों पर भी किया प्रदर्शन। देर शाम लहरियासराय का पूरा इलाका रन क्षेत्र में तब्दील हो गया। कई जगहों को आक्रोशितों ने जाम कर आगजनी की, तोड़फोड़ किया और राहगीरों के साथ भी मारपीट की। पुलिस पर भी जमकर पथराव किया गया। भारी संख्या में पुलिस बलों को इलाके में तैनात किया गया है। दरभंगा समस्तीपुर मुख्य पथ को मृतक के परिजनों ने जाम कर दिया और पुलिस पर आरोप लगाया कि पीट पीट कर मार दिया गया है। कल मेरे ससुर जी करीब 12:30 बजे के लमसम में एक गिलास ताड़ी पी के निकलवे किए कि प्रशासन इनको धर दिए। कहाँ पर सर? शहीद नगर मच्छरटा जो है वहाँ पे मछली जो बिकता है वहाँ पर धर लिए। उनके साथ साथ 7 आदमी और थे, 8 बंदा को लोग धर लिए। हम ड्यूटी करते हैं, हमको जो प्राइवेट जॉब करते हैं, हमको 2 बजे पता चला। हम सारे आदमी को लेके वहाँ गए, 2 बजे से लेके 12 बजे रात तक उनको गोर हाथ पकड़े। कुछ भी कह सर, जो भी करना है कर दीजिए। प्रशासन को गोर हाथ पकड़े कि सर जो भी होता है कुछ भी करना है हमको छोड़ दीजिए। गरीब आदमी है सर, प्राइवेट जॉब करते हैं, छोड़ दीजिए। किस थाना को? लड़ियासराय थाना सर। वहाँ से वो लोग नहीं छोड़े, फिर हम अपना सुबह में रात में वहाँ से चले आए। सारे जन सोचे रात में क्या करें, वहाँ खाना पीना देके वहाँ से चले आए। मॉर्निंग में हम ड्यूटी चले आए, उसके बाद फिर पता चला कि वो लोग जो बहादुरपुर के साथ कुछ होता जाँच होता वहाँ ले गया। जब हम 1 बजे वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ देख पता चला कि उन लोगों को कोर्ट ले जाया जा रहा है। जब कोर्ट पहुँचे तो उनको हार्ट अटैक आया, एक्सपायर कर दिया। इसका एक ही जिम्मेवार है, वो प्रशासन, लड़ियासराय प्रशासन। क्या नाम था इनका? क्या इनका? श्री राम वृक्ष मल्ली, मेरे ससुर जी। क्या क्या नाम बोले इनका? श्री राम वृक्ष मल्ली। क्या करते थे? डीएमसीएच में जॉब करते थे, सर्जरी विभाग। क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह लग? इसकी वजह एक ही है, इसका सारा श्रेय देंगे अगर तो प्रशासन को देंगे। इसका सारा हाथ प्रशासन का है। क्या पिटाव कल से बांध लगा? सत्येंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज। आयकर विभाग के प्रधान आयुक्त डीएस बेनुपानी की अध्यक्षता में प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद की बैठक हुई दरभंगा टावर के एक प्रतिष्ठान में मंगलवार। जन्म मनुष्य लेता है यह भाग्य है, परंतु जब वह आयकर दाता होता है तो वह सौभाग्य होता है। उक्त बातें डीएस बेनीपुनी प्रधान आयकर आयुक्त ने प्रमंडलीय वाणिज्य उद्योग परिषद की बैठक में कही। कहा कि लोग आयकर दें और जिंदगी को मौज मस्ती से गुजारें। बेनामी संपत्ति चाहे वह किसी भी रूप में आपके पास हो, उसे अपने रिटर्न में अवश्य सम्मिलित करें ताकि आप निश्चिंत रूप से जीवन निर्वाह कर सकें। किसी न किसी रूप में बेनामी संपत्ति सबों के पास रहती है। राष्ट्र का विकास आपके विकास पर निर्भर करता है। आपका विकास होगा तो राष्ट्र का विकास भी होगा। इसके पूर्व प्रमंडलीय वाणिज्य उद्योग परिषद के अध्यक्ष पवन कुमार सुरेखा ने आगत अतिथियों का स्वागत किया। सर्जिकल स्ट्राइक पर उन्होंने नमन किया और कहा कि जो आयकर में 5 लाख तक की छूट दी गई है यह तो अच्छी बात है, पर उससे ऊपर आय वाले करदाताओं की आय पर कर की दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। बैठक में आयकर उप आयुक्त एरो काच्छप और अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक को
गोपाल कृष्ण तालुका, अशोक प्रसाद, डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद कुमार, राजकुमार सरावगी, पवन कुमार सुरेखा ने भी संबोधित किया। कहते हैं इनसे हम टैक्सेशन डिपार्टमेंट का भी बधाई देते हैं कि भारत की निरंतर जो इकोनॉमिक व्यवस्था है उसमें इनका बड़ा सफल योगदान है। पिछले वर्ष एक रिकॉर्ड कलेक्शन 12 लाख करोड़ का इन्होंने किया है और शायद सबसे कम खर्च पर एक ही ये विभाग है सीबीडीटी की जो इतना बड़ा कलेक्शन और उसका कलेक्शन खर्च भी काफ़ी कम होता है, तो इसके लिए भी ये धन्यवाद के पात्र हैं पूरे डिपार्टमेंट से। अब मैं श्री वेणु पानी स्वागत और ये जो जोश है ये जोश बरकरार रखने के लिए हम आप लोगों के साथ हमेशा हैं रहेंगे। आई एम कमिंग फ्रॉम दैट इज दैट प्लेस समस्तीपुर। टुडे मॉर्निंग आई स्टार्टेड फ्रॉम मुजफ्फरपुर, देन आई हैड ए वेरी वेरी सक्सेसफुल एंड इंटरेस्टिंग मीटिंग आई हैड विद माय एस्टीम्ड टैक्सपेयर्स, द वंडरफुल प्रोफेशनल्स एंड वेरी वेरी चेयरफुल पीपल आई कम अक्रॉस दैट। सो आई एम ऑल्सो इन ए मूड, ऑल्सो आई थिंक दे हैव गिवन मी सम नाइस गुड लंच बट आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी। आई डू जस्टिस टू मीट ऑल ऑफ यू। In fact, after I you know speak to you, अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ आप लोग का सोच विचार अगर जाहिर करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। काइंड ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर एड्रेसिंग टू द पीपल, जैसे कि आपने ये बताया कि देखो माहौल अगर ठीक है तो हम सब लोग खुश हैं, अगर खुश ना भी है तो खुशी होने के लिए कोशिश करते हैं। And there cannot be better day than the today. Every day is today. Mind you, every day is today. What is gone, it will never come back. So what is today is the best day in our life. Life is very, very precious. हम सब लोग इसको कदर नहीं करते हैं। जब बुढ़ापा आ जाता है तो सब सोचते हैं कि अरे मैं पहले मैं क्या करता था, तब तक आपका टाइम निकल जाएगा। So what is essential today is be happy every day, don't postpone it. किसी चीज के लिए भी अगर कोई चीज में अगर आपको रुचि है, कोई चीज करने में अगर आपको अच्छा लगता है, प्लीज डू दैट एंड फील हैप्पी। आप लोगों को याद होगा नॉर्मली व्हाट एक्चुअली हैपेंस, ओनली बैड थिंग वी रिमेंबर मोस्ट ऑफ द टाइम नॉर्मली। This is human psychology. But we can actually, you know, from earlier days it used to be DC current, no? Now AC current we can actually convert into that. Because human mind, human life is always progressing. It keeps changing whether you like it or not. Virendra Kumar, BTN News. बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल की ओर से वार्ड नंबर 30 और 31 के निकट एकमी मब्बी बागमती नदी में स्लुइस गेट और नाला निर्माण कार्य का शिलान्यास नगर विधायक संजय सरावगी ने किया। मालूम रहे कि यह इलाका लगातार जल जमाव से प्रभावित रहता है और स्लुइस गेट के कारण लगातार लोगों की मांग हो रही थी कि यह ठीक नहीं है और जो नाला है वह समय रहते यहाँ से पानी जाना चाहिए और जब नदी का पानी बढ़े तो स्लुइस गेट बंद होना चाहिए। अंततः इसका प्रोजेक्ट बना और शिलान्यास। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल की ओर से वार्ड 30, 31 के लिए के निकट एकमी मबी बागमती नदी में स्लुइस गेट सह नाला निर्माण कार्य का शिलान्यास नगर विधायक संजय सरावगी ने किया। दो स्लुइस गेट और लगभग 400 मीटर आरसीसी जल संसाधन विभाग, फिर बिहार सरकार की मैंने यह अनुशंसा की थी। पूरा जो इलाका है 29, 30, 31, 32, 33, पूरा जो माइनॉरिटी का इलाका है 39, 38, 30 सभी लोग
हम लोग के संपर्क में है और आज इसका शिलान्यास हुआ। इसे पूरा जो करोड़ों करोड़ रुपया का व्यवसाय जो विशेषकर अल्पसंख्यक क्षेत्र के लोग समाज के लोग जो नर्सरी का व्यवसाय करते हैं उसका नुकसान होता है, जल जमाव की समस्या है, और इसका शिलान्यास हुआ है और सभी माननीय पार्षद यहाँ पर हैं उनको भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ कि वो आए और इन लोगों ने ही इसके लिए मुझे पास आए थे, प्रयास किए थे। मुन्ना अंसारी जी 32 वार्ड के हैं, मोहम्मद अब्दुल्ला साहब 31 वार्ड के हैं, रिंकू जी 30 वार्ड के हैं, नुसरत आलम साहब हैं, अल्लन जी हैं, जावेद इकबाल साहब जो पूर्व डिप्टी मेयर रहे हैं, सब लोगों ने लगातार। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इन लोगों की कि कॉलेज की यहाँ पर ये ज़मीन है और कॉलेज की ज़मीन में इन लोगों ने जल जमाव इतना भयानक है कि इन लोगों ने जो है ये कॉलेज की जमीन जो है दी नाले निर्माण तो और तुरंत इसको कल से ही हाथ लगेगा और हाथ लगने के 15 मई तक इस काम को कंप्लीट हो जाना है। हम लोग केवल शिलान्यास नहीं करते, शिलान्यास के साथ साथ उद्घाटन की भी तिथि तय करते हैं और उद्घाटन की तिथि जो है मई माह में यह काम हर हालत में कंप्लीट हो जाना है, क्योंकि नियम है कि 15 मई के बाद कोई काम नहीं हो सकता, जो योजना है वो वहीं ड्रॉप हो जाएगी, जल संसाधन विभाग का ऐसा न हो। तो इस इलाके में का यह बहुत बड़ा विकास का काम है। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे लेंगे। विशेषज्ञ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फर्टिलिटी विशेषज्ञ कॉन्टैक्ट 09155102102 8294979797। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचंद दरभंगा, नर्सरी से दशम तक की अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों की योग्यता जांच हेतु मासिक जांच परीक्षा, वातानुकूलित लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, खेल का मैदान, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर खास शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण की सुविधा, वाहन की सुविधा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज्ञान प्रदर्शनी, क्विज के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा की परख। तो आइए आप भी अपने बच्चों का नामांकन दार्जिलिंग की संस्था दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक में आज ही करावें। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल बेस्ड ऑन CBSE एंड BSEB करिकुलम, इंग्लिश माध्यम में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बच्चों की योग्यता जांच हेतु मासिक जांच परीक्षा, वातानुकूलित लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, खेल का मैदान, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर खास शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण की सुविधा, वाहन की सुविधा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विज्ञान प्रदर्शनी, क्विज के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा की परख। आज ही नामांकन कराएं। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल, रुहेलागंज, हैदराबाद, दरभंगा। कॉन्टैक्ट 9973338749। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कामेश्वर नगर दरभंगा, कन्वोकेशन कम्युनिक द 9th एनुअल कन्वोकेशन ऑफ द ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा शैल बी हेल्ड ऑन 12th ऑफ मार्च 2019 एट डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा। स्टूडेंट्स ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशन डिजायर टू रिसीव देयर डिग्री इन पर्सन एट द कन्वोकेशन मे सबमिट देयर एप्लीकेशन टू द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन अप टू 16th February during office hour positively. Name of the examinations: MA, MSc, MSc Biotechnology, MCOM examination 2017 and 2018, MA 2017 and 2018, MBA examinations 2017 and 2018, PhD delete result published in between 1st January 2018 and 31st December 2018. The application form and other detail can be downloaded from the website of the university www.lnmu.ac.in by order of the Vice Chancellor. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। कश्मीर के पुलवामा हमले का बदला लेने पर जोश में झूम उठे लोग, कहा जवानों को असली श्रद्धांजलि, गुलाल लगा, पटाखे छोड़, बदला लेने की खुशी का किया इजहार। कोर्ट में पेशी के दौरान एक कैदी की मौत, मृतक नशापान करते धराया था, डीएमसीएच में था कर्मी,
7 लोगों के साथ हुआ था गिरफ्तार। गिरफ्तारी बाद आक्रोशित हुए लोग लहरिया सराय बदला रन क्षेत्र। और आयकर विभाग के प्रधान आयुक्त के साथ व्यापारियों की बैठक में निदान सुविधा का हुआ आदान प्रदान। भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक साथ एक समय पर शहर के विभिन्न हिस्सों में कमल ज्योति संकल्प अभियान का शुभारंभ किया गया मंगलवार। भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक साथ एक समय पर शहर के विभिन्न हिस्सों में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई कमल ज्योति संकल्प अभियान के शुभारंभ के साथ। भारतीय जनता पार्टी का कमल ज्योति कार्यक्रम हो रहा है। हमारे विधानसभा के प्रभारी इस कार्यक्रम के लक्ष्मण जी महाराज प्रमुख जी सभी लोग या मीना जी सब लोग हैं। जो कमल ज्योति आज दीप का प्रज्वलन किया गया, यह एक दीप शहीदों के नाम इस कार्यक्रम जो शहीद हुए पुलवामा में उसके लिए शहीदों के लिए जो यह एक दीप जला। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी ने 42 के बदले 420 आतंकवादियों को मारकर आज पूरे देश के लोगों का 56 इंच नहीं 112 इंच का सीना हो गया है। हम अपने उन वायुसेना के सैनिकों को के शौर्य की प्रशंसा करते हैं और देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पराक्रम और साहस की प्रशंसा करते हैं। और कोई देश का या कोई आतंकवादी का हिम्मत नहीं है कि हमारे देश में आके आतंकवादी घटना कर दे। मुंबई में इतनी बड़ी आतंकवादी घटना हुई और जगह हुई, कभी बदला नहीं लिया गया। नरेंद्र मोदी जिस देश के प्रधानमंत्री हैं पूरे विश्व में संदेश गया है, अगर भारत को कोई छेड़ेगा तो भारत उसको छोड़ेगा नहीं। यह संदेश जो पूरे विश्व में गया और अब पाकिस्तान में एयर अटैक करके हमारे जावाज सैनिकों ने बताया है, इसलिए पूरे देश में जो है यह जो यह ज्योति जो शहीदों के नाम है एक दिया शहीदों के नाम कमल ज्योति का कार्यक्रम किया गया है और पूरे देश में और पूरे दरभंगा जिला में बड़े रूप में यह आयोजन हो रहा है। के तहत आज दरभंगा विधानसभा के इस दरभंगा टावर के ऐतिहासिक प्रांगण में माननीय विधायक संजय सराबी जी के नेतृत्व में यह बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और यह कमल ज्योति आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के घर पर भी आज दीप जला है और ये समय संध्या 6 से 8 बजे यह राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है जिसकी सेटेलाइट से फोटोग्राफी हो रही है और पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय कमल ज्योति योजना सब जगह हुआ है और सबसे बड़ी बात है कोटि कोटि धन्यवाद हम मोदी जी को देते हैं कि मेरा 42 गया और वहां से 420 लेके आए, तो हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और कमल ज्योति यही एक दिया शहीदों के नाम, हर देश में कमल ज्योति जलाया जा रहा है। आज तक बहुत प्रधानमंत्री आए और गए, हमारे मोदी जी ने जो किया आज तक ऐसा भारतवर्ष में कभी नहीं हुआ था। हमारे 40-42 शहीद हुए जवान और वहाँ से 450 लेके आए। मैं यही कहूँगी कि मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और साथ उन वीर शहीद वीर जवानों को भी बहुत बहुत बधाई। और वहीं दूसरी तरफ महिला मोर्चा की ओर से भी कमल दीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वीरेंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज। बात पुलिस सप्ताह की, चौथे दिन प्रचार वाहन को वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने झंडी दिखाकर रवाना किया। साइबर क्राइम के साथ ही यातायात सुरक्षा को लेकर लगभग 100 से ऊपर ऑटो शहर के अलग अलग हिस्सों में प्रचार के लिए आते। पुलिस सप्ताह के चौथे दिन मंगलवार को प्रचार वाहन को वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने झंडी दिखाकर रवाना किया।
साइबर क्राइम के साथ ही यातायात सुरक्षा को लेकर लगभग 100 से ऊपर ऑटो शहर के अलग अलग हिस्सों में प्रचार के लिए निकला। एसएसपी दरभंगा जिंदाबाद, 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 एसपी साथ। हम लोग आभारी हैं कि इन्होंने सामाजिक जो सामाजिक अभियान हम लोगों ने चलाया है उसमें इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लेने का उत्साह दिखाया है। जो हम लोगों ने रन फॉर पीस का आयोजन किया था उसमें भी इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया और आज से हम लोग पूरे जिला में साइबर अपराध की रोकथाम के लिए एक अभियान शुरू कर रहे हैं। एक जागरूकता अभियान है। आम आदमी को हम लोग ये बताना चाहते हैं कि उनके एटीएम कार्ड के माध्यम से जो धोखाधड़ी हो जाती है या उनके बैंक अकाउंट से जालसाज व्यक्ति कैसे पैसा ठगी कर लेते हैं और फिर लोग पीड़ित होकर दर दर की ठोकर खाते हैं, ये नौबत ना आए। कैसे लोग अपने मोबाइल को, अपने कंप्यूटर को सुरक्षित रखें, कैसे अपने फेसबुक अकाउंट को, व्हाट्सएप अकाउंट को सुरक्षित रखें और कैसे धोखाधड़ी से बचें, आम जन जन तक हम लोग इस बारे में कुछ जानकारी पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि इस मामले में आज की तिथि में जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। और इस अभियान की शुरुआत भी हम लोग सभी टेम्पो चालकों के सहयोग से आज कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग इनको धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने ये आगे आए और इन्होंने खुद से प्रस्ताव रखा कि ये लोग इस काम में सहयोग करने को तैयार हैं और बदले में इन्होंने कोई अपेक्षा उन्होंने नहीं रखी। सत्येंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज। नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाली युवा पीढ़ी तैयार करना है। ज्ञान और शोध की सृजनात्मकता का प्लेटफॉर्म विश्वविद्यालय है। उक्त बातें कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा बिहार स्टार्टअप पॉलिसी पर आयोजित कार्यशाला के दौरान। नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाली युवा पीढ़ी तैयार करना है। ज्ञान और शोध की सृजनात्मकता का प्लेटफॉर्म विश्वविद्यालय है। उक्त बातें कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने कही। मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2017 पर आयोजित कार्यशाला के दौरान मेनी आइडियाज आफ्टर दिस प्रोग्राम टुडे। बिफोर दिस आई वुड लाइक टू वेलकम बोथ द डिग्निटरीज टू मिथिलांचल एंड मिथिलांचल इज ए वेल रिनाउंड एरिया and known for its intelligence and you all are very intelligent people, very bright people and you will certainly get many ideas after this workshop. अभी चुके थोड़ी देर पहले मैडम पांडे ने आप लोगों को एड्रेस किया था कि जो हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए इन लोगों ने extend a very warm welcome to the guests on behalf of the university and also on my own behalf. Let me also express our gratitude to the industry department for selecting LL Mitra University for this kind of workshop. I believe and I am confident that this workshop is going to give a great exposure to our students. Let us look at the banner itself. It is a good example of creativity. Bihar Startup Policy 2017, Idea, Plan and Action. And it has been amply depicted and exhibited in the Virendra Kumar, BTN News. छोटाई पट्टी महादेव मंदिर में भागवत कथा हुआ शुभारंभ। कलश शोभा यात्रा में कुमारी कन्याएं माथे पर कलश लेकर क्षेत्र भ्रमण करते वापस मंदिर परिसर। छोटाई पट्टी महादेव मंदिर में भागवत कथा का हुआ शुभारंभ। कलश शोभा यात्रा में कुमारी कन्याएं माथे पर कलश लेकर क्षेत्र भ्रमण करते हुए वापस मंदिर परिसर पहुंची। I'm not afraid to die.
कुमार बीटीएन न्यूज। राजस्थान राधे राधे के नए प्रतिष्ठान का शुभारंभ होना है, लिबर्टी का उद्घाटन किया जाएगा, नए प्रतिष्ठान में उपलब्ध सुविधाओं से मीडिया को अवगत कराएगा। राजस्थान राधे राधे के नए प्रतिष्ठान का शुभारंभ होना है, लेवल टी का उद्घाटन किया जाएगा, नए प्रतिष्ठान में उपलब्ध सुविधाओं से मीडिया को अवगत कराया गया। इस मौके पर अरुण शर्मा, हिमांशु शर्मा, निश्चल शर्मा मौजूद थे। और यहाँ पे कुछ चीजें जो हाईलाइटेड है वो है लाइव परफॉर्मेंस, यहाँ पे सिंगर्स भी परफॉर्म करेंगे, पोएट्स भी परफॉर्म करेंगे, स्टैंड अप कॉमेडियन भी करेंगे। तो हर शनिवार और रविवार को शाम को 7 बजे से रात के 10:30 बजे तक लाइव परफॉर्मेंस होगी। और मैच है जिस दिन, उस दिन हमारे पास प्रोजेक्टर की व्यवस्था है, तो मैच भी स्क्रीन होगी लाइव, बिल्कुल आप लाइव मैच देख सकते हैं। इनकेस अगर मैच नहीं हुआ तो फिर म्यूज़िक चलती है प्रोजेक्टर पे भी, और साउंड सिस्टम है हमारा। उसके अलावा हमारे 3 सेक्शन हैं, जो कॉलेज सेक्शन है वो फैमिली सेक्शन को हाईलाइट कर रहे हैं, और 1 सेक्शन है जो ओपन है, आप बिल्कुल ओपन है, वो कुछ कवर्ड नहीं है। उसके साथ हमारा फूड में ये फूड प्रोसेसिंग जो है वो फ्यूज़न फूड है, और इसमें फ्यूज़न फूड इस तरीके का है कि इसमें पंजाब और दिल्ली कल्चर और बिहार कल्चर, ये तीनों मिक्स करके हमने उसे मेनू को ऐसा डेवलप किया है, ये फ्यूज़न फूड टाइप है। और इसमें हमने सबसे पहली बार जो दरभंगा में शायद कहीं ना कहीं और ना हो, वो मिथिलांचल कुजीन को ऐड किया है, जिसमें लिट्टी चोखा, कच्छ बरुआ, ये सारे आइटम मिलेंगे। और मेनू हमारा बिल्कुल डिफरेंट है, बाकी जितने भी आउटलेट्स हमारे यहाँ पे बिल्कुल इंक्लूसिव है, बिल्कुल डिफरेंट मेन्यू है। और गार्डन्स पे हमने बहुत फोकस किया है, क्योंकि गार्डन्स होने की वजह से पॉजिटिविटी आती है। तो हमारे जितने फैमिली सेक्शन है उसमें फ्लावर्स प्लांट्स का हमने बहुत अच्छे से किया, और गर्मी में, खासकर गर्मी में हमने मिस्ट फैन लगाई है, जिसके द्वारा भाप के फॉर्म में पानी आपके इर्द गिर्द रहेंगे, जिससे आपको गर्मी नहीं लगेगी। तो बिल्कुल गर्मी के लिए भी और विंटर के लिए हमने हीटर का व्यवस्था किया, तो दोनों ही वेदर को हमने कवर किया है। उसकी फैसिलिटी हम दे रहे हैं क्लाउड्स में, और दरभंगा को अपग्रेड करने का सोचा है, गेस्ट का सेटिस्फेक्शन ही मेरे को बताएगा कि हम अपने प्रयास में कितने सफल हैं। मिथिलावासियों से क्या कहें, मिथिलावासियों से ये कहना है, जो इसका जो इन्वायरमेंट है, लाउंज जो ये इसका कॉन्सेप्ट है, वो लाउंज है, जो इन्वायरमेंट है उसका, वो 5 स्टार में जो रेस्टोरेंट होता है उस तरीके से है, जो सर्विस है, जो प्रेजेंटेशन है फूड का, जो फूड क्वालिटी है, और जो क्यूजिन है वो भी जो वर्ल्ड क्लास जो क्यूजिन है, जो वेस्टर्न हो गया और लोकल हो गया, और इंडिया में जो पंजाब, ये सारा कुछ का फ्यूजन है, ये हमें बाकी सारे रेस्टोरेंट लॉन्च से सेपरेट करता है, और हम सभी को इनवाइट। वीरेंद्र कुमार, बीटीएन न्यूज। ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल तारालाई में वार्षिक खेल महोत्सव की शुरुआत हुई। स्कूल के डायरेक्टर अविनाश कुमार एवं प्राचार्य मधु चौधरी के द्वारा संयुक्त रूप से मशाल जलाकर इसका शुभारंभ किया। ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल तारालाई में वार्षिक खेल महोत्सव की शुरुआत स्कूल के डायरेक्टर अविनाश कुमार एवं प्राचार्य मधु चौधरी के द्वारा संयुक्त रूप से मशाल जलाकर किया गया। चले बैठ फैट नहीं काटे खेल महोत्सव समारोह का उद्घाटन करते हुए मुझे काफ़ी खुशी हो रही है, मैं काफ़ी फर्क महसूस कर रहा हूँ। आज मैं सभी गेस्ट का जो यहाँ उपस्थित है,
जो आने वाले हैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और वो यहाँ उपस्थित हुए इसलिए दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बच्चों का सर्वांगीण विकास ही हमारा लक्ष्य है और विद्यालय का किसी भी विद्यालय का यही लक्ष्य होना चाहिए। हम से बच्चों को किताबी ज्ञान दे ये उचित नहीं है। हर बच्चों के अंदर एक नैसर्गिक प्रतिभा होती है और उस प्रतिभा को पहचानना, उसका विकास करना और उन बच्चों को उन प्रतिभा के माध्यम से उनके मुकाम तक लेके जाना ये हमारा उद्देश्य है। हम जो सालों भर विभिन्न तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं जैसे आर्ट एग्जीबिशन, साइंस एग्जीबिशन, स्पोर्ट्स डे, कल्चर प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योर ग्रुप, बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो और हमें ये चीज पहचानने का मौका मिले कि कौन सा बच्चा किस प्रतिभा से धनी है और उसी प्रतिभा को पहचानने के बाद ही हम काट सकते हैं, संवार सकते हैं। बच्चे फूल की तरह होते हैं, उन्हें निखारना और संवारना हमारा काम है और मैं समझता हूँ पेरेंट्स का भी यही उद्देश्य है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने इस समाज उन्होंने अपने बच्चों को छात्रों को दिया है। बहुत अच्छा चल रहा है और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि आगे भी मेरे बच्चे को इसी तरह गाइडलाइन मिलते रहे। कैसा बच्चा है? अच्छा, मतलब जो भी है प्रोग्रेस हो रहा है। अच्छा, अच्छा इस बार का लग रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है स्कूल में और बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अलग अलग इवेंट सब हो रहा है जो काफ़ी अच्छा है। स्कूल के तरफ से आज स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है जिसमें हमारे टीचर्स और सारे बच्चों ने बहुत ही मेहनत किया है और सारे ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। हमारे स्कूल में बच्चों का फिज़िकल फिज़िकल फिटनेस पे भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि बच्चे फिज़िकली भी फिट रहें, क्योंकि आजकल बेसिकली क्या होता है कि बच्चे नॉर्मली मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं जो कि गेम्स और जितने भी गेम्स है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो हॉकी हो, वो सारा चीज़ मोबाइल में या फिर इंटरनेट पे यूज़ करते हैं और जिसके कारण बच्चों को बहुत सारी मेंटल बीमारियां हो रही हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे ये सब चीज़ों को छोड़ के फिज़िकली जो वर्क करें ताकि वो फिज़िकली फिट रहें और स्पोर्ट्स जो है वो फिटनेस का सबसे बेहतर तरीका है और हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल से भी बच्चे आगे बढ़ के कभी कोई क्रिकेटर, कोई हॉकी प्लेयर, कोई फुटबॉल प्लेयर्स बने। हमारे स्कूल के तरफ से यही है, हम बच्चों का फ्यूचर ब्राइट बनाना चाहते हैं कि स्पोर्ट्स में ही बच्चों का फ्यूचर आगे बढ़े। थैंक यू। सत्येंद्र कुमार, BTN न्यूज। ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कश्मीर के पुलवामा हमले का बदला लेने पर जोश में झूम उठे लोग, कहा जवानों को असली श्रद्धांजलि, गुलाल लगा, पटाखे छोड़ बदला लेने की खुशी का किया इजहार। कोर्ट में पेशी के दौरान एक कैदी की मौत, मृतक नशापान करते धराया था, DMCH में था कर्मी, 8 लोगों के साथ हुआ था गिरफ्तार, गिरफ्तारी बाद आक्रोशित हुए लोग, लहरिया सराय बदला रन क्षेत्र। और आयकर विभाग के प्रधान आयुक्त के साथ व्यापारियों की बैठक में निदान सुविधा का हुआ आदान प्रदान। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।